हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज की किस्सा में। तो आज हम सुनते हैं रूपा रानी तिर्की की कहानी। कॉमनवेल्थ खेलों में पहली बार भारत ने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता है। यह एक ऐसी कामयाबी थी जिस पर अभी भी लोग खुली आंखों से भरोसा नहीं कर पा रहे थे। मेडल हासिल करने वाली टीम में रूपा रानी तिर्की भी शामिल थी। कॉमनवेल्थ में स्वर्णिम सफलता के बाद वह बेहद उत्साहित हैं। इस कामयाबी के लिए उन्होंने कैंप में रोज 8-8 घंटे प्रैक्टिस की थी। यहाँ तक कि जनवरी में उनकी शादी को एक महीना ही हुआ था जब उन्हें कैंप के लिए बुला लिया गया। रूपा ने ना ही नए नवेले ससुराल की और ना ही अपने घर के बारे में एक पल सोचा। पति की हाँ के साथ बैग पैक करके सीधा कैंप में आ गई। उनकी स्मृतियों में अभी भी वह क्षण कैद है जब लॉन बॉल में गोल्ड मिलने पर उनके हाथ में तिरंगा और आंखों में आंसू थे। रूपा ने बताया कि मैंने जॉब में 5 महीने की छुट्टी लेकर पूरा फोकस केवल लॉन बॉल पर किया था। मैंने इससे पहले 2010 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए भी ट्रायल दिया था और इस खेल में शिरकत की थी। बेशक उस वक्त हम कोई मेडल नहीं जीत सके, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि एक दिन हम कॉमनवेल्थ में कोई ना कोई मेडल जीतने में कामयाब होंगे। निरंतर फोकस और टीम के साथ घंटों प्रैक्टिस पर आखिरकार टीम ने यह करके दिखाया। रूपा बताती हैं कि वह 2007 का साल था जब असम में नेशनल गेम्स चल रहे थे। वहाँ लॉन बॉल की भी कंपटीशन रखी गई थी। वहीं इस खेल में मेरा पहला परिचय हुआ। जब मैंने इस खेल को ट्राई किया तो मुझे लगा कि मैं इस खेल को बेहतर ढंग से खेल सकती हूँ। वहाँ मेरा प्रदर्शन बेहतर रहा। झारखंड लौटने पर प्रदेश सरकार ने रूपा को सम्मानित किया और हौसला अफजाई की। इससे उनका हौसला और बढ़ा। उन्हें उनका लक्ष्य सामने दिखा रहा था और उन्होंने इस खेल में मेहनत करनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। रूपा रानी तिर्की की शादी इसी वर्ष जनवरी में हुई। वह झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले स्थित चाईबासा की बहू बनी है। उनके पति वहां रोड कंस्ट्रक्शन के काम में हैं। उनके पति का खेलों से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा। जब कॉमनवेल्थ खेलों में हिस्सेदारी की बात आई तो उसने उनसे कहा, भविष्य का नहीं पता, मुझे इस बार खेल लेने दो। उन्होंने भी मना नहीं किया और कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो तुम खेल कर आओ। आज इस उपलब्धि पर पति को भी गर्व है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि रूपा ने कबड्डी छोड़ दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि मैं अभी भी कबड्डी खेलती हूँ। दरअसल किसी खेल में दिलचस्प होना एक अलग बात है, लेकिन दिक्कत यह है कि झारखंड में कबड्डी का खेल काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यही वजह है कि मैं इंडिविजुअल गेम में बेहतर करना चाहती थी। इसका मौका मुझे लॉन बॉल में से मिला। ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं जिनकी दिलचस्प किसी अन्य खेल में भी है, लेकिन वे लॉन बॉल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। रूपा का अधिकांश समय झारखंड के रांची में ही बीता है और वहीं रामगढ़ में उनका जॉब भी है, लेकिन उन्होंने अपनी BPED यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की है। रूपा का कहना है कि उन्हें बचपन से ही खेलों में दिलचस्पी थी। यही वजह है कि उन्होंने जब करियर बनाने के बारे में सोचा तो फिजिकल एजुकेशन उसमें टॉप पर था। खेलों में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन और कड़ा अभ्यास सबसे जरूरी होता है। अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए भी उनको इन गुणों को आत्मसात करना पड़ सकता है। रूपा रानी तिर्की कहती हैं, बेशक कोरोना महामारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई, लेकिन बात प्रैक्टिस की करें तो यह काल अमृत काल साबित हुआ। उनकी जॉब को केवल एक ही साल हुआ था। ऐसे में 5 माह का अवकाश मिल गया। सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे मिलकर दिन में कुल 8 घंटे की प्रैक्टिस गेम के लिए करनी होती थी। अभी तक भारत में लॉन बॉल के खेल को स्पॉन्सर तक मिलने में परेशानी होती थी, लेकिन रूपा रानी तिर्की को पूरा भरोसा है कि कॉमनवेल्थ खेल 2022 की स्वर्णिम कामयाबी लॉन बॉल के खेल को भारत में जड़े जमाने में सहायता करेगी।
एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब लॉन बॉल भारत में भी इंग्लैंड की तरह फुटबॉल से अधिक लोकप्रिय हो जाएगा। रूपा बताती हैं कि लॉन बॉल के नियम 1800 के आसपास तय किए गए। कोलकाता में यह खेल खूब लोकप्रिय रहा है। केवल 1966 को छोड़ दिया जाए तो लॉन बॉल प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा रहा है। इंग्लैंड का तो यह प्रमुख खेल है, वहां कई सालों से खेला जा रहा है। इसके अलावा यह खेल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में भी प्रमुखता से खेला जाता है। इस समय इंग्लैंड में लॉन बॉल के सैकड़ों क्लब हैं। निचले स्तर से और कम उम्र में ही खिलाड़ी इस खेल से जुड़ जाते हैं, जो उन्हें आगे निखरने में मदद करता है। हमें उम्मीद है इस जीत के साथ ही भारत में भी लॉन बॉल के और खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों का झुकाव बढ़ेगा। इतने में ही आज के वीकली किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।